अब एक आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा गजाला नौरीन से। जी गजाला, इस मुलाकात से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। आईएसपीआर की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, बिलखसूस इलाकाई अमन इस्तेहकाम और सरहदी सलामती से मुतलिक अमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इलाकाई इस्तेहकाम और इक्तसादी खुशहाली के लिए मुश्तरक कोशिशें करते हुए दोतरफा तआवुन को फरोग देने की जरूरत पर भी इत्तफाक किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद के तौर पर बयान करते हुए कहा कि सरहद के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ताकि दहशतगर्दों को दोनों पड़ोसी ममालिक के मबैन दीना बरादराना ताल्लुकात को खतरे में डालने से रोका जा सके। आईएसपीआर के मुताबिक मौजूद मेहमान सदर इब्राहिम रईसी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुसलह अफवाज के मबैन तआवुन को फरोग देकर पाकिस्तान और ईरान दोनों अकवाम और खित्ते के लिए अमन इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया गजल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।